नक्षत्र, तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक महाभाग्यशाली राशियां। 23 मई 2019 गुरुवार का दिन है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र एवं धनु राशि में चंद्रमा 12:10 तक रहेंगे, उसके बाद मकर राशि प्रवेश कर जाएंगे। दिशाशूल की यदि हम बात करें तो दक्षिण दिशा में रहेंगे, इसलिए दक्षिण दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश दक्षिण दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा हो तो जीरा खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहुकाल जो कि दोपहर 1:30 से लेकर के 3 बजे तक रहेगा, इस दौरान सभी प्रकार के शुभ मांगलिक या नए काम वर्जित माने जाते हैं। अर्थल में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्यक्रम शुरू नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव वृषभ राशि में, चंद्रमा धनु राशि में 12:10 तक, उसके बाद मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह जो कि मिथुन राशि में, बुध वृषभ राशि में, गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक राशि में, शुक्र मेष राशि में, शनिदेव धनु राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार मेष वृषभ कर्क सिंह और धनु, इन 5 राशि वालों को गज केसरी योग का सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि गुरु और चंद्रमा के कारण गज केसरी और ये गज केसरी योग इन 5 राशि वालों को राज्य पद या उच्च पद प्रदान करने वाला है। राजकीय क्षेत्र में इनको कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त होने वाली है, कोई उच्च पद प्रतिष्ठा का योग बन रहा है। साथ ही इनको मान सम्मान यश भी मिलेगा एवं धन प्राप्ति का भी अच्छा योग इनके लिए बनने वाला है। तो कुल मिलाकर के इन 5 राशि वालों के लिए दिन सबसे अति उत्तम रहेगा। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।